मैं छात्रों के बीच रह के और छात्रों के हित की लड़ाई लड़ते हुए चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरी मुख्य बातें यहाँ के छात्र की जो पठन पाठन व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में फैली हुई है उसको सुदृढ़ कराना है। परिसर में चारों तरफ व्याप्त गंदगी जो है उसको हटाना है। यहाँ के छात्रों को रोजगार मुखी जो शिक्षा है उसको उपलब्ध कराना मेरा प्रथम दायित्व है। और इस कैंपस को पूरे को जैसे कि भारत सरकार ने इसको बनाया है, इस कैंपस को हम हर हाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। साथ ही यहाँ के छात्रावासों में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए छात्रों को हर हालात में उनके सही और सही हक की लड़ाई के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ आपको दिखती है जिसे बदलाव की ज़रूरत है? यहाँ बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा पठन पाठन की व्यवस्था अव्यवस्थित है। दूसरी, यहाँ शिक्षा व्यवस्था में जो अध्यापक नहीं है, हम सरकार से मांग करेंगे कि आप वहाँ नियुक्त करें और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करते हुए यहाँ अध्यापक नियुक्त करके और अध्यापन का काम करें। दूसरी अव्यवस्थाएँ हैं छात्रावास में, साफ पानी ना आना, टंकी की सफाई कभी कभी हो ना, तो इन तमाम लड़ाइयों को हम एक मजबूती तरीके से लड़ते रहेंगे और हमारा पैनल पूरा जीतेगा। और हम छात्र संघ में काबिज होने के बाद अपने पूरे भाइयों के लिए, सभी छात्रों के लिए, वो किस दल में गया था, हमें वोट दिया था या नहीं दिया था, इस बात को ना ध्यान करते हुए हम इस बात का ध्यान करते हैं कि वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र हो, उसके हित में हम सदैव काम करते रहेंगे। तरह से आप संस्कृत विश्वविद्यालय में बदलाव लाएंगे, क्या मन में सोच विचार लेकर चुनाव में उतरे हुए हैं? यहाँ पे बाथरूम नहीं है जैसे यहाँ पे कार्यालय के पास, और यहाँ पे पठ पाठन की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होती है। प्रमुख दिक्कतें क्या है और उसको किस तरह से आप दूर करेंगे अगर चुनाव में आप जीतते हैं तो? प्रमुख दिक्कत मैं इस तरह दूर करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे शिक्षकों का ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्त होना आवश्यकता है। तो पुस्तकालय मंत्री के पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो पुस्तकालय जो है यहाँ का वो किस व्यवस्था में है और उसे किस तरह से आप और अच्छा करेंगे? जी, पुस्तकालय जो यहाँ का है बहुत अव्यवस्थित ढंग से है। जैसे छात्रों के बैठने की सुविधा नहीं, छात्र अगर हम अदर कंट्री में जाएं, अदर विश्वविद्यालय में जाएं, तो कंप्यूटर का सिस्टम है और मतलब पानी का सिस्टम, बैठने का सिस्टम, लाइट का सिस्टम, परंतु यहाँ ना तो कंप्यूटर है ना अच्छे से पानी का सिस्टम है, बहुत सारे गंदगी हैं। और नूतन मतलब नए नए पुस्तका का हम सोचेंगे, चाहेंगे कि नए नए पुस्तका हैं। माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करेंगे, सबसे आग्रह करेंगे। क्या लगता है आपको चुनाव में कितनी जीत आपको सुनिश्चित दिख रही है? आपके चक्कर में कौन इस समय दिख रहा है? अभी तो सभी छात्रों से मैंने मिला हूँ, जाना हूँ, लेकिन सभी अभी कह रहे हैं कि भाई आप ही का जीत है, आगे ठाकुर जी कृपा और छात्रों की कृपा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप छात्रों को? संदेश यही देना चाहते हैं कि हम संस्कृति के लिए हम उत्थान करें, उठें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम जो नारा है उसको हम लोग आगे करें, संस्कृत को आगे बढ़ाएं, संस्कृत पूरे जगत को भाषा बने, पूरी जननी बने, हमारी यही लक्ष्य है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि यहाँ जो स्वर्ण लिपि है, ये छात्रों को जो सोच छात्र हैं उनको घुसने नहीं दिया जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि उन लोगों को घुसने दिया जाए, दर्शन कराया जाए, उस पर जो शोध कर रहे हैं उस पर बताया जाए।
और यहाँ पे मैं जब प्रचार करने निकलता था तो मैं देखता था यहाँ पे जो हमारे विभागों में लेटरिन बाथरूम की जो व्यवस्था है वो एकदम दुर्व्यवस्थित है। आपको कोई एक भी लेटरिन बाथरूम सुरक्षित नहीं मिलेगा। हमारा नवीन हॉस्टल है उसमें भी बहुत सारे लेटरिन बाथरूम हैं, लगभग 35-33 बाथरूम हैं जिसमें चार ही चालू हैं, वो भी चार जो है उसमें बैठेंगे तो ऊपर से पानी टपकता है, बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। और गंगाना झा में देखेंगे तो पूरे हॉस्टल में ऊपर से लेके चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, सफाई नहीं होती है। छात्र संघ जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा सफाई पे रहेगा, और जो हमारी संस्कृति है, संस्कृत भाषा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, मध्यकाल मुगलों से भी चली आ रही है, आधुनिक काल में जाकर के हमारी संस्कृत की लड़ाई लड़ने का कार्य करूँगा। संस्कृत जो डगमगा रही है इसको और उच्च पद पर बैठाने का कार्य करूँगा। ऐसे संस्कृत की बहुत सी लिपियाँ यहाँ पर पड़ी हुई है जिनका अध्ययन करके भारत विश्व गुरु बनने के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों तक वो नहीं पहुँच पाते जी। ऐसे में आप किस तरह से व्यवस्था बनाएंगे कि छात्र जो सोच छात्र है उनको जाए पढ़े और उसमें काम करके देश में उसका एक प्रयोग लगे जी। हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा वो जो भी है संस्कृत के उसको छात्रों के पास पहुँचाया नहीं जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है सबसे, और जीतने के बाद उसको आगे करने का प्रयास करूंगा और छात्रों को वहां तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, जिसे पढ़कर हमारे संस्कृत जगत के छात्र आगे जाएं और भारत के कोने कोने में जाएं और संस्कृत का परचम लहराएं।